लेकिन एक सेकंड यार जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है तुम्हारे सारे? दा उम्मीद है तुम सारे हंसते पे होगे ते मुस्कुरा पे होगे। अच्छा मैं कैसे बताऊं कि मैं लेकिन एक सेकंड हाय मैं क्या करूं? मुझे कैसे मिल सकता है ना, मतलब कैसे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खैर बाकी बातें करेंगे बाद में। मैंने आप लोग की वजह से 5 दिन से उफल्ला बहुत धूप है यार। मैंने आप लोग की वजह से 5 दिन से इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की। आखिरकार 5 दिन के बाद ये दिन आ ही गया। तो चलिए जी like I can't just tell you guys what I'm feeling right now. I just can't. Now just look at its color. Like, what should I say now? But अच्छा जी यहीं से आप लोगों को मेरी खुशी का अंदाजा। If I compared this phone with my last phone, 14 Pro Max, like its weight is so light. I just love it. Like my 14 Pro Max was so heavy. It's literally giving so smooth metallic feel. I just can't. So let's open it. करी थी 14 प्रो मैक्स, अभी मैं 2 महीने पहले ही वो लिया था और व्लॉगिंग के लिए, मतलब मैंने आईफोन लिया ही व्लॉगिंग लिया था, उससे पहले मैं एंड्रॉयड यूज़ करती थी तो उस बिल्कुल ठीक था। और इवन वो मैंने अभी दो तीन महीने पहले ही मैंने 14 प्रो मैक्स लिया और वो मेरा न्यू था बिल्कुल। अभी रिसेंटली ना कुछ दिन पहले उसका बैक कैमरे में ना लाइन्स आने लग गई। मैं आईफोन 6 वालों के पास लेकर गई उसके वाइड एंगल में, बाकी कैमरे ठीक थे। मैं आईफोन 6 वालों के पास लेके गई, वो कहते भाई इस पे तो 40,000 लगेगा। मैं कहा क्यों? वो कहते इस पे लेज़र लाइट लग गई उसकी वजह से कैमरे फारिग होंगे, तीनों चेंज होंगे। मैं कहा ये मैं तो ऐसा रोना डाला घर आके ऐसा। अच्छा रोना डालने का एक फायदा हो गया, फोन आ गया मेरे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अभी तो खैर ये मैं 14 से बना रही हूँ, 14 के फ्रंट लेंथ ठीक है। नहीं गर्मी में इतनी डायरेक्ट धूप में खड़े होकर यार आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, ये तो फिर ज्यादा है कि अगर आप लोग मेरा चैनल ना सब्सक्राइब करें यार।